हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जितना 2 साल की फिजिक्स में काम आने वाला है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो पहला पार्ट जाकर के देखे। आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं और ये बहुत अहम पार्ट है, क्योंकि जो आज मैं आपको कराने वाला हूँ इसकी ज़रूरत आपको कदम कदम पर फिजिक्स में लगेगी, ठीक है ना? चलिए आइए। तो आज का हमारा मुद्दा क्या है? आज का हमारा मुद्दा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई यानी क्या? जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके टर्म्स में अपन क्या करेंगे, एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने को ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले अपना क्या करेंगे, अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों को पता है एक एक्सिस एक्स होता है, दूसरा एक्सिस वाई होता है। ज़रूरी है क्या इसी को एक्स इसी को वाई लेंगे? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, समझे? इसको एक्स इसको वाई आप मान सकते हैं, ठीक है? तीसरा भी होता है जेड, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे जा करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? यहाँ तक तो अपने को समझ में आ रहा है, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, ठीक है? चलो भाई, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए कोई एक रे है, रे समझता है ना, इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरे एंड से वो आगे बढ़ती है, इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास कोई रे है, ठीक है ना? तो एक रे है, इस रे को मैं क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, 12, 1, 2, 3 इस तरीके से घड़ी चलती है, बात समझ में आ रही है? तो घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी से उल्टे सेंस में, उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैं रोटेट करके यहां तक कहीं पहुंचा देता हूं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये यहां पर था, यहां से आगे मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट किया और ये इस तरीके से क्या हो गया, थीटा एंगल से रोटेट हो गया। समझ में आ गया? जब मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट करूंगा तो मैं प्लस थीटा लिखूंगा। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन यानी हमने उसको माना है। तो हम क्या मान लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब रे को रोटेट किया जाएगा तो उस एंगल को जो उसने यहां पर सबटेंड किया है उस एंगल को हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर इसी रे को मैं इधर सबटेंड ऐसे रोटेट करता, इधर पे ऐसे रोटेट करता, ऐसे रोटेट करता, समझ में आ गया? तो ये जो एंगल थीटा बना है इसको माइनस थीटा बोलते हैं और ये अपना प्लस थीटा होता। तो अगर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेंगे तो उसको माइनस थीटा बोला जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम लोग रे को रोटेट करेंगे या जो एंगल बनेगा उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, हमारा कन्वेंशन है, ठीक है? और क्लॉकवाइज सेंस में क्या है, रोटेट करेंगे तो माइनस थीटा मानेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो भाई, ये सबसे पहली चीज मैंने आपको क्लियर करा दी। अब क्या, अब मुद्दे पे आते हैं जो अपने को यहां पर सीखना है। वो क्या है कि मान लीजिए कि यहां पर आपके पास कोई पॉइंट है, यानी इसको यहाँ से ऐसे रोटेट करवा के लेकर गया मैं थीटा, थीटा मतलब प्लस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ बच्चों, मैं कैसे लिखूंगा, एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिखूंगा एक्स कॉमा वाई। ये तो आप लोग 9 से सीखते हुए आ रहे हो। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वो वाई है। समझ में आ गया? यानी ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई है। समझ आ गया? तो ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, ट्रायंगल नजर आ रहा है। अब क्या, अब अगर मैं आपसे 3 रेशियोज का वैल्यू पूछूं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, समझ आ रहा है? अब मैं आपसे अगर 3 रेशियोज का वैल्यू पूछूं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, तो आप मुझे बताओ कि आप क्या लिखोगे। साइन थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या है बताओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है थीटा के, अच्छा एक और चीज, इसको अपन आर बोलेंगे, ये जो साइड है ना हाइपोटेन्यूज, ये 90 है ना, 90 के सामने वाली साइड को क्या अपन ने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, है ना? तो मुझे बताओ साइन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा अपोजिट। कैसे देखने का, ऐसे उंगली रखो, ऐसे दो उंगली रखो, ऐसे आगे बढ़ते जाओ, जहां पर सामने जाकर के रुकेगा वो आपका क्या है, अपोजिट है। तो थीटा का अपोजिट क्या है, वाई है, अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, 90 का अपोजिट, 90 का अपोजिट क्या है आपका, आर है। कुछ समझ आया, क्लियर हो गया? चलो भाई, उसके बाद क्या, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट मतलब लगी हुई साइड, तो इसको जो लगी हुई साइड है वो क्या है, एक्स है, और ये आपका क्या है, आर है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, वाई, एडजेसेंट क्या है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स।
कुछ समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, ये तीन मैंने आपको लिख करके दे दिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर समझना है जो आपको, चलो आ जाओ। और एक चीज़ देखो ध्यान से, ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये समझ में आ गया होगा ना, इसको लिख लेना, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल्स टू, या आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो r क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। समझ आया, क्लियर हो गया? चलो आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसके बाद ध्यान से सुनना, आप जो मैं बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बेस बनाया आपका, आप लोग जानते हैं कि जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ओरिजिन कहते हैं। जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट साइड पे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस। यही बोलते हैं, ये तो आप लोग सीख कर आए होंगे। ओरिजिन के अपवर्ड अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन से डाउनवर्ड अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है ये। ठीक है ना, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है सर। चलो भाई, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं यहां पर इस क्वाड्रेंट में, ये जो है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये याद कैसे रखने का? ये यहां से शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं क्या आपसे ध्यान क्या आपसे पूछ रहा हूं ध्यान से सुनो, ये आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, समझे? चलो भाई आ जाओ देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो हमारा पॉजिटिव एक्स है, यानी एक्स क्या होने वाला है, एक्स तो पॉजिटिव रहने वाला है। समझ में आ गया? y बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ y का क्या होगा? y भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा। r का वैल्यू क्या है? r है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, y नेगेटिव है या पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर, ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव। यानी r हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी क्वाड्रेंट में r हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, याद कर लो उसको, क्योंकि अंडर रूट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, उतना आई होप आपको आता होगा, टेंथ में सीखा है आपने वो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव। ठीक है ना, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आओ। सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ एक्स वाई और आर कैसे होंगे, जल्दी बोलो। एक्स कैसा है, इधर पे नेगेटिव है, वाई कैसा है, यहां पर पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, आर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया? उसके बाद आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या, यहां पर x, y और r बताइए क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या आपका यहां पर क्या होगा? r तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव लिख दो। ठीक है ना, उसके बाद क्या, x क्या होगा, x नेगेटिव है, y भी क्या है पर नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। समझ में आ गया? बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, मैं तुमको जो रटाने के बजाय मैं तुमको समझा रहा हूं, जो तुमने पढ़ा है ना ऑल सिल्वर टी कप स्कूल में, वो आता कहां से, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी देखो सब क्लियर हो जाएगा, कुछ हटाऊंगा नहीं, पूरी चीजें क्लियर करूंगा मैं। ठीक है ना, चलो भाई इसके बाद क्या, ये x को ऊपर लिख देते और यहां पर अपना x, ये y और ये r, r तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि अपने को पता है वहां पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर x क्या है, x तो पॉजिटिव है, y क्या है, यहां पर नेगेटिव है। समझ आया? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जो है मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे क्या, चलो अब हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका अपने को रेसिप्रोकल पता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है ना, चलो भी अपने को पता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बताओ क्या बोलोगे आप? आप बोलेंगे सर ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, आओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है, वाई कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर, डिवाइडेड बाय आर, तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, यानी यहां पर साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ गया, ध्यान रखना इसमें साइन पॉजिटिव आया,
उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कॉस का क्या है, कॉस देखो कॉस के लिए क्या है फॉर्मूला, एक्स अपॉन आर। एक्स क्या है, एक्स अपने पास पॉजिटिव है, आर अपने पास तो पॉजिटिव ही है। अरे पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव, यानी यहां पर साइन तो पॉजिटिव था ही था, कॉस भी यहां पर क्या है पॉजिटिव है। समझ में आ गया, कॉस भी पॉजिटिव है साइन भी पॉजिटिव है। टेन क्या है, वाई अपॉन एक्स, वाई भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। समझ में आ गया, यानी कोई भी मान लो जैसे पॉजिटिव फाइव और पॉजिटिव फोर, तो कोई पॉजिटिव आंसर ही आएगा ना, है ना, बिल्कुल वैसे। तो इस तरीके से पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये भी क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया, यानी क्या क्वाड भी क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव, यानी पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। समझ आ गया, ये तुमको रटाते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स, मैं आपको समझा रहा हूं आया कहां से, ठीक है ना। चलो भाई आप कभी भूलोगे नहीं तुम इसको, ठीक है ना। उसके बाद आओ अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ जरा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का फॉर्मूला क्या है, वाई अपॉन आर। साइन का फॉर्मूला क्या है, वाई अपॉन आर। तो मुझे बताओ यहां पर कि वाई अपॉन आर अगर हम लोग करते हैं तो वाई क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, वाई तो पॉजिटिव है, आर भी क्या है, अरे सर पॉजिटिव ही, आर तो सब में पॉजिटिव है, यानी यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव है। ये लिख देता हूं मैं, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब उसका उल्टा कौन है, उसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो जो पॉजिटिव होगा वो लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई याद रखना, ये एस को गोला मार देता हूँ, अभी याद कराऊंगा मैं इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कॉस की बात चेक करेंगे सेकंड वाले में, यानी हर क्वाड्रेंट में सारे चेक करके देख लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है एक्स अपॉन आर। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है बच्चों, देखो ध्यान से, एक्स नेगेटिव है और आर क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं माइनस, मान लो टू डिवाइडेड बाय थ्री, आंसर क्या है, थ्री पॉजिटिव है, टू क्या है, नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बच्चे बोलते हैं पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव। नहीं 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 नहीं, साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, कॉस तो यहां पर नेगेटिव है, ये गड़बड़ नहीं करनी है। साइन और कोसेक पॉजिटिव है, समझ में आ गया। कॉस तो यहां पर क्या है, नेगेटिव है, समझ में आ गया। टेन का क्या है, टेन देखो, टेन का फॉर्मूला क्या है, वाई अपॉन एक्स, वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, मतलब आंसर क्या है, नेगेटिव। ये ऐसा है, ये पॉजिटिव अपॉन ये नेगेटिव, तो आंसर तो क्या आएगा, प्लस टू लिखने की जरूरत है क्या, माइनस को ऊपर भेज दो, मतलब आंसर क्या है, नेगेटिव। यानी इसमें कॉस भी नेगेटिव है तो उसका उल्टा भी नेगेटिव हुआ, टेन नेगेटिव है तो उसका उल्टा भी नेगेटिव हुआ, यानी सिर्फ पॉजिटिव कौन है, साइन और उसका रेसिप्रोकल। समझ में आ गया, तो यही ऑल सिल्वर, समझ आ गया, क्लियर हो गया। उसके टी कप्स या एड शुगर टू कॉफी, जैसे आपको याद करना है याद कर लेना। थर्ड वाले में फिर से वही चेक करना है अपने को, जब इसमें अपन चेक करेंगे साइन का कॉस का पॉजिटिव टेन का, तो अपने को समझ में आएगा कि थर्ड वाले में सिर्फ क्या है, थर्ड वाले में टेन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल, बाकी सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। समझ में आ गया। लास्ट वाले में खुद से चेक करेंगे आप, तीसरा और चौथा वहां पे छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। लास्ट वाले में आपका क्या होगा, आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। समझे, क्लियर हो गया। तो उसको याद ऐसे रखा जाता है, पहले तो आपको कैसे याद रखना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट्स हो गए। उसके बाद की कहानी ऑल सिल्वर टी कप्स, क्या बोला मैंने, ऑल सिल्वर टी कप्स, समझे, या फिर एड शुगर टू कॉफी, समझ में आ गया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, समझ में आ गया, जो याद करना है याद कर लो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको उसके पीछे का लॉजिक समझाया, कोई चीज मैंने आपको रटाई नहीं है, समझे, क्लियर हो गया। ये चीज अभी काम आने वाली है, तो याद कैसे रखने का, निमोनिक, निमोनिक क्या है, निमोनिक है इसका ऑल सिल्वर टी कप्स, यानी पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऑल सिल्वर टी कप्स या फिर एड शुगर टू कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, समझ में आ गया, जो आपको याद करना है उसके हिसाब से याद कर लो आप, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, समझे, क्लियर हो गया, इसको याद रखना। उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझाया मैंने, कुछ रटा भी सकता तो मैं 5 मिनट में खत्म हो जाता,
लेकिन तुमको मुझे समझाना है, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। सिर्फ बच्चों को आप स्टेट लेवल के लेक्चर मत समझो, ये मैं बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रेडी कर रहा हूँ। कोई चीज़ रटाता नहीं हूँ, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक देता हूँ। चाहे मैं मैथ्स पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, फिजिक्स पढ़ाऊँ, मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक होता है। हर एक चीज़ का लॉजिक समझाता हूँ मैं, आया कहाँ से। रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब मुझे क्या करना है, आपको कुछ और फॉर्मूलेज बताने हैं, और वही इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर ये अप्लाई होने वाला है, ठीक है। चलो कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ट्रिग्नोमेट्रिक एन टाइम्स 180 प्लस या माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा एंड साइन इज डिसाइडेड बाय ऑल सिल्वर टीकप्स रूल, ठीक। मतलब समझाऊंगा मैं भी, अभी घबराने नहीं। एन का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, एन कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, अभी ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। वही आपको एक्चुअली काम आने वाली है ट्रिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन होगा साइन कॉस 10, उसमें आपका यहाँ पर कोई ऑड फंक्शन होगा, समझ में आ गया। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, यहाँ पर होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लो साइन है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस। तो साइन का कॉस बन जाएगा, टेन का कॉट बन जाएगा, और आपका सेक का कोसेक बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा एंड साइन इज डिसाइडेड बाय ऑल सिल्वर टीकप्स रूल, उससे ही साइन डिसाइड होगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब इसमें एन का जो, इसमें ये जो है ये ऑड है, ये कौन कौन की वैल्यू रख सकता है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। बस समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बेसिकली अगर आपके पास क्या होगा, ऐसा कोई फॉर्मेट आएगा तो उसका ये आंसर आता है। क्या मतलब हो रहा है इसका, मतलब समझाता हूँ। अब मैं आपको सीधा क्या करूँगा, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको आगे जा करके समझ में आएगी कि सर ने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख करके हमको दी है, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी जो है मैं सीधा क्वेश्चंस पे चल रहा हूँ, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको आपको पता है ना कि साइन जीरो क्या है, आप बोलेंगे सर जीरो। आपको पूछूंगा साइन 30 क्या है, आप बोलेंगे सर 1/2। साइन 45 क्या है, 1/√2। साइन 60 क्या है, √3/2। साइन 90 क्या है, 1। साइन 120 क्या है, साइन 135 क्या है, साइन 150 क्या है, साइन 180 क्या है, साइन 210 क्या है, साइन 225 क्या है, साइन 2 आपका 40 क्या है, साइन 270 क्या है, साइन 270 300 क्या है, 315 क्या है, 330 क्या है, 360 क्या है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 90 से आगे बढ़ना है अब। समझ आ रहा है, मैं आपको कभी भी बेसिक 9th-10th की चीज़ें नहीं, वो तो रिवाइज करवाते हुए आपको आगे की चीज़ पढ़ाऊंगा मैं। हमेशा आप लेक्चर में ये नोटिस करोगे, मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपने 9th-10th में ये पढ़ा था, वो रिवाइज करवाते हैं, आप बताऊंगा कि आपको 11th-12th में ये पढ़ना है। तो आपने 9th-10th में साइन कॉस टेन या बाकी रेशियोज का 90 तक का वैल्यू याद रखा, खास करके हम साइन ही याद रखते हैं, बाकी टेबल तो हम बना लेते, यानी 90 तक का हमने देखा था स्टैंडर्ड एंगल्स। अब हम लोगों को 360 तक जाना है या उसके आगे तक जाना है, समझ आ गया। मैं 360 तक सिखाऊंगा, बाकी तुम खुद सीख लोगे, समझ जाओगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भी आ जाओ, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहला है साइन 120 डिग्री, सेकंड है कॉस 120 डिग्री, थर्ड है टैन 120 डिग्री, ठीक है ना। ये अपने पास फिलहाल है, इनको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक और ले लेते हैं आपका कौन सा ले लेते हैं, सेक 120 डिग्री, ये चार ले लिया मैंने, ठीक है, क्लियर हो गया। इनको आपको फाइंड आउट करना है। आप बोलेंगे सर कितने वैल्यूज याद रखेंगे, याद नहीं करना है आपको, उसको सॉल्व करना सीखना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहला इसमें है आपका साइन 120 डिग्री, तो आप क्या लिख सकते हो उसको 120 को, या तो आप ये लिख सकते हो 180 माइनस 60, ये हो जाएगा, या तो आप लिख सकते हो 90 प्लस 30,
समझ आ रहा है? यानी स्टैंडर्ड एंगल में आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। 180 भी स्टैंडर्ड है और 60 भी स्टैंडर्ड है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? चलो भाई, तो ये बेसिकली क्या है, ये इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 90 + 30 डिग्री। अब मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। 90 डिग्री आएगा, ध्यान से सुनना, 90 या 270 डिग्री आएगा तब बदलेगा। बदलेगा मतलब क्या, ऐसे समझो उसको, वहां पर बदलेगा मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको याद ऐसे ही रखाता हूँ मैं, बदलेगा, ताकि ना बच्चे आराम से उसको कर पाए। बदलेगा मतलब क्या, बदलने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री से वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्रिग्नोमेट्री से वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या, अगर साइन थीटा है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो कॉस थीटा है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो आपका कोसेक थीटा है तो वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सेक थीटा है तो कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर टेन थीटा है तो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कॉट थीटा है तो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। 90 या 170 होगा तो बदलेगा, 180 या 360 होगा तो नहीं बदलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वो रूल तो आपको मैंने लिखा दिया था, लेकिन इससे सॉल्व करने बहुत आसानी हो जाती है। तो 180 या 360 होगा तो नहीं बदलेगा, समझ में आ गया? यानी क्या, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा, मतलब साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, उसके बाद कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, टैन थीटा का टैन थीटा ही रहेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आगे रेशियोज भी वैसा ही। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? ठीक है ना, सेक थीटा का सेक थीटा, कोसेक थीटा का कोसेक थीटा, कॉट थीटा का कॉट थीटा। समझ आया? क्लियर है? चलो भाई आ जाओ। अब सबसे पहली चीज क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसे कोई कंपाउंड एंगल आए तो आप लोग क्या करोगे, उसको ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले उसको स्प्लिट करोगे स्टैंडर्ड एंगल के टर्म्स में, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ऐसे भी तो कर सकते थे 100 + 20, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। आपको ना 100 डिग्री का साइन 100 डिग्री का वैल्यू भी नहीं पता, आपको साइन 20 डिग्री का वैल्यू भी नहीं पता, आपको साइन 90 पता है और साइन 30 पता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसे मत स्प्लिट कर देना जिसका आपको वैल्यू नहीं पता है, समझे? ऐसे स्प्लिट करना है जो स्टैंडर्ड एंगल्स है। अभी सब याद करा दूंगा कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स है, ठीक है ना। वैसे आपको कुछ तो याद ही है, 0, 30, 45, 60, 90, समझ आ गया, ये स्टैंडर्ड है, आपको याद है, ठीक है ना। चलो अभी आ जाओ। अब क्या, सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले साइन डिसाइड करेंगे। आप क्या डिसाइड करेंगे, सबसे पहला क्या डिसाइड करोगे, साइन डिसाइड करोगे। दूसरे स्टेप में ये पूरी कहानी चलेगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? सबसे पहले साइन, साइन 90 + 30, 30 मतलब इसको थीटा इमेजिन करो। देखो पहले ही प्रॉब्लम है, उसमें सीखो, आगे जा करके एकदम हलवा हो जाएगा ये। साइन 90 + 30, 90 + 30, देखो ये अपना जीरो था, ये अपना क्या था, यहाँ तो जीरो था, जीरो से ऐसे गए यहाँ पर आए तो कितना हो गया, ये हो गया 90, ये कितना है 180, ये कितना है 270, ये कितना है 360 फिर से, तो ये जीरो या फिर 360, समझ आ गया? ऐसे घूम करके आए तो फिर से क्या हो गया 360। अब जीरो से 90 + 30, 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी ये कहीं यहाँ पर होगा, ऐसे होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। मुझे बताओ साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 + 30, अच्छा ये 90 है, 30 मतलब अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब यहां पर क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है। ऑल सिल्वर टी कप्स साइन और कोसेक पॉजिटिव, यानी सबसे पहले साइन लगाओ, है ना, डिसाइडेड बाय एएसटीसी रूल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? चलो ये हो गया। उसके बाद अब क्या, मुझे बताओ क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है यहाँ पर, 90 आ रहा, तो 90 आएगा तो बदलेगा। बदलेगा मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक अपना कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। मतलब क्या, साइन थीटा का क्या बन जाएगा, कॉस, और जो भी यहाँ पर थीटा है वो चुपचाप लिख दो, समझे। अब कॉस थीटा तो आपको याद ही है, मैंने आपसे कहा था ना, जैसे आपको नींद से भी उठा के कोई पूछेगा तो आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए, वैसे आपको याद रखना है। तो प्लस अपनी जगह पर, कॉस 30 कितना होता है, साइन 30 हाफ होता है, कॉस 30 इज √3/2। समझ आ गया? आ गया, आपको याद करने की जरूरत पड़ी क्या साइन 120? नहीं, आपने सॉल्व कर लिया उसको, समझ आया। चलो और अप्लाई करते हैं, आ जाओ सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाले में अपने पास है कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री क्या है बताओ, कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा मैं, लिखूंगा 90 + 30, हाँ उसको 180 माइनस
60 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी करके बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो भाई पहले इसको करते हैं। आओ cos 90 plus 30, cos 90 plus 30 सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, साइन। 90 plus 30 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव है, देखो काम आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, उसके बाद 90 है तो बदलेगा, cos का क्या बनेगा, साइन बनेगा, जो भी है अपना थीटा है वो वैसे का वैसे लिख दो, माइनस साइन 30 का माइनस हाफ, समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई दूसरे तरीके से कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इसको लिख सकते थे cos 180 माइनस 60, हाँ सर लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ चलो लिख दिया cos 180 माइनस 60। अब आगे की कहानी क्या है ध्यान से सुनना, फिर सबसे पहले साइन डिसाइड करो, 0 90 180 180 माइनस 60 मतलब फिर से क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, देखो वापस से, ये 0 ये 90 ये 180, 180 माइनस थीटा मतलब इधर पे आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, समझ आ गया। उसके बाद अब 90 के 180 है, 180 पे नहीं बदलेगा, यानी ये cos का cos ही रहेगा और थीटा अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह, cos 60 क्या होता है हाफ, देखो सेम वैल्यू आया, समझ आ गया, चाहे ऐसे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। तो कभी भी कंपाउंड एंगल आएगा तो सबसे पहले उसको स्टैंड एंगल में स्प्लिट करो, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, साइन डिसाइड करो, थर्ड स्टेप में देखना है कि 90 या 270 है क्या, 90 या 270 है तो बदल देना कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और अगर 180 या 360 है तो मत बदलना, समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई तो ये तुमको समझा दिया मैंने, अब उसके बाद आ जाओ तीसरे पार्ट पे चलते हैं, तीसरे पार्ट में देखो क्या पूछा है, तीसरे में tan 120 डिग्री, tan ऑफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है, tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अब क्या हो जाएगा समझने की कोशिश करो, आपको पता है कि क्या करना है, क्या करना है बोलो, सबसे पहले tan 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया, उसके बाद 90 आया मतलब बदलेगा तो cos 30 हो जाएगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है, ये बहुत सिंपल ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलो भाई 90 270 पे बदलेगा, 180 360 पे नहीं बदलेगा, ठीक है ना, माइनस cot 30, cot 30 क्या होता है बोलो भाई, cot 30 इज रूट 3/2, आ गया आंसर। तो tan 120 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने गड़बड़ कर दी ना, वो तो cos 30 होता है, cot 30 क्या होता है, आइए उसको समझते हैं कैसे निकालने का है इसको, cot 30 जो होगा आपका वो होगा cos 30 बाय sin 30, ऐसे अगर याद नहीं है वैल्यू, मुझे भी याद नहीं, मैं ऐसे ही निकालता हूँ उसको, cos 30 बाय sin 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है रूट 3/2, और आपका sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है आपका हाफ, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, cos 30 क्या होता है रूट 3 बाय, क्यों, cot क्या होता है cos theta बाय sin theta, है ना, 2 कैंसिल, क्या बचेगा रूट 3 अपॉन 1 मतलब रूट 3, यानी आंसर आएगा माइनस रूट 3, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है, तो याद रखेगा इसको, ठीक है ना, वो cos 30 क्या होता है रूट 3/2, ठीक है ना, cot 30 कैसे निकालोगे, cos बाय sin करके निकालोगे, समझ में आ गया, याद जो फेसेस्ट होता है ना वो चीज़ों को याद नहीं करना चाहता, वो चीज़ों को समझना चाहता है, समझे, तो रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है, समझे, रट्टा कितना मारोगे, ये रट्टने वाली क्लास नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तुमको चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ, ये हो गया चौथा वाला, sec वाला खुद से सॉल्व करना, ठीक है, चलो वो खुद से सॉल्व करो, आ जाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, अभी कुछ और एग्जांपल्स में, जैसे हमारे पास देखो, समझने की कोशिश करो उसको, ठीक है। चलो भाई ये ले लो, अभी ये अच्छे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये तुम लोगों को फंसाएंगे, 270 है ना, 270 को कैसे लिख सकता हूँ, साइन 270 को बताओ जल्दी से, 270 को कैसे लिखूँ मैं, कैसे लिखूँ, या तो मैं लिख दूँ 360 माइनस, बोलो भाई 360 में से कितना माइनस करूँ, 90 माइनस कर दूँ, 360 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूँगा तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 180 प्लस 90, तब भी 270 बनेगा। अब क्या ये मेरे पास है, सबसे पहले मैं साइन डिसाइड करूँगा, 360 में से जब मैं 90 माइनस करूँगा तो कहाँ पहुँचेगा, बोलो भाई 360 में से 360 कहाँ है बोलो, ये तुमको फंसाएगा ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, समझ में आ गया, 360 में से जब मैं 90 माइनस करूंगा तो सर मैं यहां पहुंच जाऊंगा 270 पे, 270 तो ना तो इधर आ रहा है ना तो इधर आ रहा है, ये तो गड़बड़ वाली बात है, तो हम क्या करेंगे इसको, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो आपको ये मानना है यहां पर कि आपका जो 270 है वो कहीं यहां लाए कर रहा है,
कहां पर 360 माइनस 90 यानी वो कहीं यहां लाए कर रहा है ये वाले क्वाड्रेंट में, समझ में आ गया। और ये वाले क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, आपका साइन नेगेटिव होता है। ऑल सिल्वर टी कप्स, समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, 360 में से आपने 90 माइनस कर दिया तो यहां पहुंच गए, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि वो लगभग यहां पर है ये वाले क्वाड्रेंट में, कुछ माइनस करके वो यहां पहुंचा है, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। चलो भाई, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको कि जो आपका थीटा है वो 90 भी हो सकता है, 90 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपने 360 माइनस थीटा लिखा, 360 माइनस थीटा अगर आपने लिखा, इसका मतलब आप कहां पहुंच गए, आप 1, 2, 3, 4 आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पहुंच गए। आप बोलेंगे सर 360 में से अगर मैंने 180 माइनस कर दिया, लेकिन भले आप 180 माइनस कर दो, लेकिन ये रूल के हिसाब से आप यहीं पर हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपको जानबूझ करके दिया है मैंने, ठीक है ना। वैसे मैथ्स में इसमें ज्यादा चर्चा होती है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन हो सकता है, यहां पर तो आपको वैल्यू याद रखनी है फिजिक्स में, लेकिन आपको लॉजिक समझाया मैंने कि अगर 90 आप माइनस कर दोगे तो ये आपका 270 तो यहां पहुंच गया, लेकिन आपको उसको यहीं पर इमेजिन करना है, समझ में आ गया। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है, समझ में आ गया। ऑल सिल्वर टी कप्स, यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है ना, माइनस हो गया। अब 360 पे तो नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, और जो 90 है वो अपनी जगह पर, तो क्या आएगा, माइनस साइन 90 इज 1, समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया 360 माइनस 90 करके। दूसरा क्या हो सकता था, 180 प्लस 90, क्या हो सकता था, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 भी यहीं पहुंच जाता, लेकिन उसको कहां इमेजिन करते, इधर इमेजिन करते, 180 प्लस 90, समझ में आ गया। तो 90 उधर नहीं भागना है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में भी इमेजिन करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और फिर आपका 180 है तो नहीं बदलेगा साइन का, साइन 90 रहेगा, वो आप खुद से कर सकते हो, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये टाइप के प्रॉब्लम अक्सर टीचर छोड़ देते हैं, जानबूझ करके मैंने लिया है ताकि तुम्हारा कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी तो मैं वैल्यूज याद करा दूंगा तुमको, ठीक है, कॉस ऑफ 180 प्लस 90, चलो इसको ऐसे करते हैं, आप बताओ मुझे क्या आएगा, कॉस 180 प्लस 90, बोले जल्दी से कैसे करेंगे कॉस 180 प्लस 90 को, कॉस 180 प्लस 90 का क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करो। अब सबसे पहले कॉस 180 प्लस 90 कौन सा क्वाड्रेंट है वो डिसाइड करो, 180 प्लस 90 तो यहां पहुंचा, समझ में आ गया, वो तो इधर आ गया ना, 180 प्लस 90 तो ये एक्सिस पे आ गया, वो तो इधर ना, इधर ना, ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको क्या इमेजिन करना है, वो 180 प्लस 90 है मतलब थर्ड में है, समझ आ गया। 360 माइनस 90 मतलब आपको फोर्थ में इमेजिन करना था, 180 प्लस 90 आपको थर्ड में इमेजिन करना है, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस का ये तो नेगेटिव आ गया, 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है, माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस 1, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से कॉस 180 क्या हो गया, कॉस मेरे पास 270, उल्टा कलर गड़बड़ कर दी मैंने, क्या गड़बड़ कर दी बोलो, कॉस 90 आएगा नहीं, ये कॉस 180 और ये क्या है 90, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 तो जीरो होता है, और जीरो का कोई साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आई होप मैंने आपको ये समझा दिया। इसके बाद हम तीसरे पे चलते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है टैन 270 डिग्री। टैन 270 डिग्री का क्या करेंगे, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, देखो टैन को 180 प्लस 90 भी लिख सकते हैं, और टैन को 360 माइनस 90 भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 180 प्लस 90 करेंगे तो क्या होगा, 180 प्लस 90 करेंगे तो टैन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस 90 में थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, ध्यान से सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है, टैन तो और 180 है तो टैन का टैन ही रहेगा, समझ में आ गया, टैन थीटा, थीटा ये है, 180 मत लिख देना, ठीक है। और उसके बाद 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 का क्या फंडा है, इसको देखो अभी, 360 माइनस 90 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और उसके बाद टैन, टैन का टैन ही रहेगा क्योंकि 360 और ये क्या आ जाएगा 90, इसके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, प्लस टैन 90 इज इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, और इसके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी, एक ही टैन के एंगल का दो दो वैल्यू कैसे आ सकता है भाई, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों अलग अलग चीजें, मैथ्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो प्लस इन्फिनिटी वो साइड पे, माइनस इन्फिनिटी ये साइड पे, समझ में आ गया। अगर एक्स एक्सिस की अगर बात करेंगे तो ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती, इसी वजह से नॉट डिफाइंड लिखा जाता है इसको, ये डिफाइंड ही नहीं है, बात समझ में आ रही है, ऐसे होता ही है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट वाले समझा दिए, अक्सर टीचर ये छोड़ देते हैं,
वरना बच्चे को फिर कन्फ्यूजन रहेगा। तो ध्यान रखना है इसको कैसे सॉल्व करना है, सब समझा दिया मैंने, ठीक है ना। चलो भाई 270 का दूसरे तरीके से करोगे, 180 वाला 180 प्लस 90 से तो ये आएगा, इसका 360 माइनस 90 से करोगे तो यही आएगा, लेकिन टैन बदल जाता है, इस वजह से नॉट डिफाइंड बताना था, इस वजह से दोनों से करके बताया है मैंने। क्लियर हो गया? तो आई होप मैंने पूरी तरीके से क्लियर किया हुआ है आपको ये। तो आपको अब क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको घर से उसको सॉल्व करना है और आपको इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से रेशियोज को, कंपाउंड एंगल्स के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कंपाउंड एंगल्स को कैसे निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, फाइन क्वेश्चन देखो, आपको उसका ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिखा दूंगा। फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा फॉर थीटा इज इक्वल्स टू, बहुत सारे एंगल दूंगा, सबका आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, खुद से ट्राई करना है इसको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत से तो आपको याद होंगे, तो ये सब तो आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। 0, 30, 45, 60, 90, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, उसके बाद 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क होगा, इसको आप लोग फाइंड आउट करें। ये जो मैंने यहाँ पर एंगल्स लिखे हैं पूरे 2 साल की फिजिक्स में आपको काम आने वाले हैं, तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आई होप मैंने पूरी तरीके से क्लियर किया है, मैंने कोई डाउट का स्कोप छोड़ा ही नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, लेकिन कोई भी लेक्चर परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझी हो और अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। जो हमारे बच्चे हमारे पास एडमिशन्स लेने वाले हैं बच्चे, उनको जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ASI के लिए और 11th स्टैंडर्ड का, उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ओके। तो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयार करिए, प्रिपरेशन या सिलेबस जो एग्जाम में आने वाला है, जो हमारे टेस्ट में, उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।